दोस्तों बॉब प्रॉक्टर पूछते हैं कि क्या आपको पता है आजकल की नई गाड़ियों में उनकी सीट्स में मसाजर्स आते हैं जिससे आपकी पीठ को आराम मिल सके। वो वाइब्रेट होता है और आपकी पीठ को आराम मिलता है। उसी तरह से आपका ये शरीर है वो भी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बना है जो एक फ्रीक्वेंसी पर हिलता रहता है। एक फ्रीक्वेंसी पर यह वाइब्रेट होता रहता है। आपके शरीर में करोड़ों सूक्ष्म कण है जो हर समय वाइब्रेट होते रहते हैं और आपका ये दिमाग एक तरह की बिजली का केंद्र है जो कि सबको ये एनर्जी सप्लाई करता है। आप नकारात्मक सोचते हैं, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ बुरा होता है, अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं तो आप नकारात्मक चीजों को ही आकर्षित करते हैं और आप और ज्यादा बुरी चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। हम उसी तरह के लोगों और चीजों को आकर्षित करते हैं जो इस फ्रीक्वेंसी पर हो जिस फ्रीक्वेंसी पर हम होते हैं। हमारी वाइब्रेशन हमारी सोच और हमारी फीलिंग से जुड़ी हुई है, हमारी महसूस करने की शक्ति से जुड़ी हुई है और जो भी हम महसूस करते हैं वो सीधा हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है। अपनी फीलिंग्स को हम सीधे अपने कॉन्शियस थिंकिंग से ही जोड़ते हैं। इसलिए जो आप सोचते हैं उसको आप सही तरह से चूज कीजिए, उसको एक अच्छी तरह से देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। उससे आपकी वाइब्रेशन पे बहुत असर पड़ता है। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा म्यूजिक सुनिए और अच्छे लोगों के बीच रहिए और अपनी थिंकिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और जो भी आप सोचेंगे वो आपके साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा और आपकी वाइब्रेशन भी वैसे ही होती जाएगी और आप अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहते हो वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा। इसलिए इसके बारे में सोचिए, आपकी वाइब्रेशन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है तो अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ वाइब्रेशन का यूज जरूर कीजिए। दोस्तों यदि आपको ऐसे ही वीडियोज और देखने हैं और आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।